नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला है इसमें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, है ना, ये जो कैपिटल एम है इसका एक्सेलरेशन निकालना है। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज म्यू वन, मतलब ये दोनों जो ब्लॉक है इसके बीच का म्यू वन दिया है। एंड दैट बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू टू, तो इसके बीच का म्यू टू दिया। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है आपसे, है ना, और ये म्यू वन म्यू टू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक्सेलरेशन बोला है तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन तभी होगा जब ये सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। दैट मीन जो भी फ्रिक्शन लेना है आपको क्या लेना है, काइनेटिक लेना है, क्योंकि यहाँ पे म्यू वन और म्यू टू का न्यूमेरिकल डेटा दिया नहीं है जिससे कि हम चेक कर पाए, है ना। चेक कर पाना थोड़ा क्या इसमें मुश्किल है ना, सिंपली ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली वही लेना है। तो आप सोचिए अगर मोशन भी होगा तो किधर की तरफ होगा, ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ आने की। नीचे की तरफ आएगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, टेंशन इस पे बड़े वाले पे, बड़े वाले पे टेंशन इधर लगेगा, है ना, तो बड़े वाले पे इधर लगेगा। यहाँ पे देखिए ये पुली पे एक तो इधर लग रहा है और एक नीचे की तरफ, अब पुली कनेक्टेड है इस ब्लॉक से, तो पुली जो है इस ब्लॉक पे किधर की तरफ खींच रहा होगा, तो सोचिए ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक तो ये भी होगा सिचुएशन। तो अगर मैं अलग अलग लेता हूँ तो, लेकिन अगर मैं पूरे को एज ए सिस्टम ले लेता हूँ, पूरे को एज ए सिस्टम मतलब पुली और ये बॉक्स बड़ा वाला, तब आप यहाँ पे एनालाइज करके बता सकते हैं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट में कौन सा है। तो एक तो स्ट्रिंग हो गया और एक ये वाला है और एक ये वाला, तीन कांटेक्ट है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए पूरे सिचुएशन को समझ लिया हमने, तो मान लेते हैं कि कैपिटल एम वाले का एक्सेलरेशन किधर है, राइट साइड होना भी चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा तो इसको पुल करेगा राइट साइड, इसको भी पुल करेगा राइट साइड, है ना। तो राइट साइड टेंडेंसी है इसकी, तो इसकी टेंडेंसी तो सिर्फ राइट साइड है, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो ऊपर नीचे ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे, एक तो ऊपर नीचे वाला इक्विलिब्रियम का कंडीशन, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, और एक राइट साइड में लगाऊंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए। यहाँ पे आ जाइए, छोटे वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो छोटे वाले ब्लॉक को क्या लगता है आपको, तो यहाँ पे छोटे वाले ब्लॉक का दो एक्सेलरेशन होगा। सबसे पहले तो ये सिचुएशन आपको समझना है कि दो एक्सेलरेशन कैसे होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, है ना। हालांकि इसके रेस्पेक्ट में भी आप बना सकते थे, है ना, वहाँ पे सूडो वगैरह लगाना पड़ेगा, तो मैं उससे नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वेशन वही बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे अगर बात करूँ तो अब चूंकि ये ब्लॉक अगर मान लीजिए बड़ा वाला ब्लॉक का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जस्ट इसके लेफ्ट वाला पॉइंट ये वाला, तो अगर ये वाला पॉइंट जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ राइट साइड अगर एक्स यूनिट जाएगा, तो इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट स्मॉल एम का ये वाला पॉइंट है, क्या लगता है ये भी राइट साइड जाएगा एक्स यूनिट। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन राइट साइड ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन राइट साइड कितना होगा ए, मतलब स्मॉल एम वाले का एक्सेलरेशन जो है राइट साइड, कंस्टेंट यूज कर रहे हैं ना, राइट साइड कितना आएगा ए, क्योंकि इसका ए ऑलरेडी माना था तो इसका भी ए होगा, क्योंकि राइट साइड तो सेम ही होगा ना। ग्राउंड पे अगर आप बैठ के देखो, तो क्या देखोगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में सेम है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, बड़े वाले का वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, छोटे वाले का वर्टिकल मूवमेंट है, इसका मतलब छोटे वाले का वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ये कितना होगा ये पता करना है आपको, तो यहाँ पे आपको फिर से कंस्टेंट यूज करना होगा, है ना। यहाँ पे मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मान लीजिए कि बड़े वाले को शिफ्ट कर दिया किधर, आगे की तरफ एक्स यूनिट, ठीक है, तो आपको देखना है, यूज करना है कंस्टेंट। अब जैसे ही आगे शिफ्ट कर दिए इसको एक्स, तो देखिए धागा कितना रिलीज हुआ एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करने से, एक तो ये एक्स हुआ और एक ये यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में जितने भी हैं स्ट्रिंग यही दो है, तो एक्स और एक्स टोटल धागा कितना रिलीज हुआ 2x। अच्छा, स्ट्रिंग तो जबकि टाइट है तो ये 2x कहाँ जाएगा, तो ब्लॉक मूव करने के लिए फ्री किधर है, वर्टिकल में, है ना, मतलब ये 2x किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा वाला ब्लॉक राइट साइड जाएगा एक्स यूनिट, तो छोटा वाला ब्लॉक नीचे कितना आएगा 2x यूनिट, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन राइट साइड ए है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा 2a। इसका मतलब स्मॉल एम का जो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तब कितना लिखते आप, तो कैपिटल एम का एक्स हो गया राइट साइड,
स्मॉल m का अगर टोटल पूछा जाए तो x राइट साइड एंड 2x नीचे की तरफ, तो नेट आप निकाल सकते थे इधर की तरफ कहीं ना कहीं होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। उसी तरह से नेट एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मतलब रूट 5 है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इधर की तरफ कहीं ना कहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, इधर कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है कांस्टेंट यूज किया। अब सिंपल सा कुछ भी नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, टोटल फोर्सेस लिखिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अब बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है, तो ये देखिए मैं दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी बना रहा हूँ। हमेशा जब भी फ्री बॉडी बनाते हैं ना, सबसे पहले क्या कीजिए, फील्ड फोर्सेस दिखा दिए। फील्ड में यहाँ पे कौन है, सिर्फ एम जी है, बाकी चारों तरफ घूमिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, चलिए यहाँ पर आ जाए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सिस्टम इसको ले रहा हूँ। सिस्टम लेने से फायदा क्या होगा कि मुझे ये वाला फोर्सेस जो है ना कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने कोशिश क्या किया कि कैपिटल एम और पुली दोनों को सिस्टम ले लिया। अब पुली तो मासलेस होता था, अभी भी एम जी कारगर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कितना फोर्सेस लग रहा है वो दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए पुली पे बाहर की तरफ एक तो इधर की तरफ टी लग रहा है, तो पूरे को सिस्टम माना है, तो पूरे पे भी इधर की तरफ टी और पुली पे नीचे की तरफ भी टी लग रहा है। देखिए टी यहाँ पे ये वाला कनेक्टेड है ना, तो पूरे सिस्टम पे भी नीचे की तरफ टी लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट खत्म, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे चारों तरफ घूम रहा है स्मॉल एम प्लस। अब जहाँ भी इस तरह का कॉन्टैक्ट दिखेगा ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान में रखना है, एक तो फोर्सेस लगेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक फोर्सेस लगेंगे किधर, पैरेलल टू द सरफेस, जो कि फ्रिक्शन होगा। तो एक तो देखिए ये वाला ब्लॉक राइट साइड जा रहा है, तो इसको धक्का देगा राइट साइड, तो एम वाले को राइट साइड धक्का दिया इधर, तो मैं इसको शिफ्ट करके लिख रहा हूँ पैरेलली इधर की तरफ, तो ये हो गया शिफ्ट करके एन वन। एन वन क्यों लिया, क्योंकि ये म्यू वन है, इसलिए एन वन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक तो अभी तो ये दिखाया, अच्छा तो बदले में ये भी इसको धक्का देगा इधर की तरफ, तो ये भी धक्का देगा इधर। और हम लोग जानते हैं एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा सेम, डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट एन वन। और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब सोचिए ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, सरफेस के कारण ऊपर की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं क्या, एफ वन, ठीक है। और एफ वन की वैल्यू आप जानते हैं, वन की वैल्यू क्या होगा, आंसर इज म्यू वन इंटू एन वन। अच्छा तो अब देखिए अगर ये वाला सरफेस इस पर लगा रहा है ऊपर की तरफ एफ वन, तो बदले में ये वाला सरफेस इस पे किधर लगेगा, तो आंसर इज नीचे की तरफ, अगेन इक्वल एंड अपोजिट, तो नीचे की तरफ एफ वन, और एफ वन का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है म्यू वन एन वन। चलिए यहाँ वाला सरफेस का काम खत्म, अब एक यहाँ पे आया कॉन्टैक्ट, तो ये टी, तो एक यहाँ पे आ गया टी बड़े वाले पे, ठीक है। अब एक कॉन्टैक्ट आ गया ये वाला, फिर से जहाँ भी सरफेस देखे दो, एक तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक पैरेलल टू द सरफेस, तो एक तो परपेंडिकुलर लगा देता हूँ मैं। अब चूंकि इसका म्यू टू है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या एन टू, और एक पैरेलल टू द सरफेस ब्लॉक राइट साइड जा रहा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की तरफ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा काइनेटिक लगेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक मैं नाम कह देता हूँ एफ टू, और इस काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इज म्यू टू एन टू। तो ये सारे फोर्सेस लगा दिए, और कोई छूटा क्या इस पे, कैपिटल एम वाले पे नहीं, एक तो फील्ड लगा दिया और बाकी चारों तरफ घूम लिया। अब स्मॉल एम वाले पे आ जाते हैं, स्मॉल एम वाले पे सबसे पहले फिर से एक फील्ड तो लग गया, अब चारों तरफ घूमा बाउंड्री पे, तो इधर देखिए इधर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं, इधर है, तो इधर कितना दो, तो दो ऑलरेडी लगा दिया मैंने, देखो नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला और ये, और देखो कौन सा है कॉन्टैक्ट में, एक ये आ गया इधर वाले में टेंशन, तो एक टेंशन लगा दो, जितने भी फोर्सेस थे वो सारे दिख गए। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, चारों तरफ घूमने से कोई भी फोर्सेस छूटते नहीं। अब सिंपल सा, बाकी तो आपको पता है, बाकी कुछ भी करना नहीं है, इसका दो एक्सेलरेशन हो गया, इधर की ओर अप्लाई करोगे तो 2a लिखना नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू 2a, और इधर की ओर करोगे तो m इंटू 2a, और इसमें सिर्फ m है और वर्टिकल में 0, तो अब कुछ भी बचा नहीं है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से कीजिए। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन करने की, तो चलिए सबसे पहले मैं कोशिश क्या करता हूँ, छोटे वाले जो ब्लॉक है ना इसका इक्वेशन लिख लेता हूँ, छोटे वाले का राइट साइड में देखिए एक ही फोर्स लग रहा है सिर्फ, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m वाले का नेट फोर्स इक्वल टू एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास m इंटू राइट साइड एक्सेलरेशन कितना है इसका a, इक्वेशन नंबर वन। इसी का मैं लिख लेता हूँ वर्टिकल में भी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, वर्टिकल में चूंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है 2s, तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लूंगा,
तो लिखूंगा क्या, एम जी माइनस टी माइनस एफ वन, एफ वन की जगह म्यू वन एन वन, तो म्यू वन एन वन, एन वन की जगह डायरेक्ट लिख लेता हूँ एम में, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। तो नेट फोर्स ही हुआ अभी, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, तो स्मॉल एम इंटू ए की जगह पे कितना, टू ए, तो टू आगे कर लेता हूँ ए। तो ये देखिए, अब यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या, और भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए ए वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ, तो टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट, या इसको पूरा इधर ले आया, टी की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, टी की वैल्यू आ जाएगा स्मॉल एम जी, स्मॉल एम जी माइनस म्यू वन एम ए, म्यू वन एम ए प्लस क्या जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये वाला इधर ले आया, माइनस टू एम ए, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब अभी तो ये छोटा वाला, बड़ा वाला पे, बड़ा वाला का वाई डायरेक्शन में पहले अप्लाई कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा लग रहा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया नीचे की तरफ, एक ये हो गया नीचे की तरफ, एक ये हो गया नीचे की तरफ, मतलब तीन नीचे की तरफ लग रहा है और एक ऊपर की तरफ। तो वाई डायरेक्शन में तो ये मूव कर ही नहीं रहा, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो एन टू इक्वल टू टी प्लस एफ वन प्लस एम जी, तो वाई डायरेक्शन में एन टू इक्वल टू टी प्लस एफ टू, सॉरी टी प्लस एफ वन, एफ वन इक्वल टू फिर से मैं क्या लिखूंगा, म्यू वन एन वन, म्यू वन एन वन, एन वन की जगह पे एम ए, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करता जाऊंगा। ठीक है, तो टी प्लस एफ वन प्लस कैपिटल एम जी, कैपिटल और स्मॉल के बीच डिफरेंस समझिएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एम जी। ठीक है, तो एक तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बेटा मैं, टी की वैल्यू भी रख सकता हूँ, तो एन टू की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एन टू की वैल्यू ऐसा करो, निकाल ही लो, तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी कितना, टी की वैल्यू रख लिया, एम जी माइनस म्यू वन एम ए माइनस टू एम ए, टी की जगह पर रख लिया पूरा ये ऊपर वाला, प्लस आ गया कितना, म्यू वन एम ए प्लस कैपिटल एम जी, म्यू वन एम ए कैंसिल आउट हो गया, तो एन टू इक्वल टू क्या हो गया, जी कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जी कॉमन ले लिया, तो कैपिटल एम प्लस एम माइनस क्या हो गया, टू एम ए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब एक और इक्वेशन बचा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में देखिए इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में राइट साइड एक्सेलरेटर, तो राइट साइड वाला पॉजिटिव लेना होगा, जैसे यहाँ पे नीचे वाला पॉजिटिव लेना, उसी तरह से यहाँ पर राइट साइड वाला पॉजिटिव। तो एक तो ये हो गया टी और टी, टू टी, और कोई लग रहा है क्या राइट में, नहीं, लेफ्ट में एन वन एंड एफ टू, तो क्या लिखेंगे, टू टी माइनस एन वन माइनस एफ टू इक्वल टू एम इन टू ए, टू टी माइनस एन वन माइनस एफ टू, टू टी माइनस एन वन, टू टी माइनस एन वन, एन वन इक्वल टू एम ए, टू टी माइनस एन वन, एन वन इक्वल टू एम ए माइनस एफ टू। देखिए यहाँ पे एफ टू, एफ टू इक्वल टू क्या बेटा, म्यू टू एन टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, म्यू टू एन टू, एन टू की जगह पे ये पूरा रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, जी इंटू एम प्लस एम माइनस टू एम ए। देखिए नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो कैपिटल एम है और इंटू एक्सेलरेशन तो ए है ना। यहाँ पर देख लीजिए, मास तो क्या है, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन क्या है, ए। बस अब कुछ नहीं, अब सिंप्लीफाई करना है, ए की वैल्यू निकालना है, आप लोग खुद से कर सकते हो। तो देखो ए की वैल्यू निकालना है ना, तो एक तो इसको राइट साइड भेजो और एक ये वाला मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेजो। अच्छा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ। ठीक है, फटाफट रख देता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो टू आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, टू एम जी माइनस टू म्यू वन एम ए, और माइनस दो से मल्टीप्लाई किया तो दो दो चार एम ए माइनस एम ए। ठीक है, अब बाकी कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको अलग कर लिया, माइनस म्यू टू जी एम प्लस एम, और ये माइनस माइनस प्लस म्यू टू, टू आगे आ गया एम ए इक्वल टू कैपिटल एम ए, ए वाले को एक साइड कर लो, कॉमन वगैरह ले लो, तो इधर क्या क्या बचेगा देख लो, टू एम जी, और ये तो ए इधर 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 जाएगा, और एक ये बचा, तो ये बच गया कितना, देखो जी कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो बच गया कितना, टू एम माइनस म्यू टू इंटू एम प्लस एम, देख लो है ना, मतलब ये दोनों से लिख रहा हूँ, जी कॉमन लिया, बाकी ये बच गया,
और बाकी इधर बाकी सबको भेज दिया, क्योंकि ये वाला है, ये कॉमन ले लो। तो ये कॉमन लिया बेटा, तो इधर तो कैपिटल एम बचा, इधर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2μ1m, इधर ये दोनों को ऐड करके भेज दो इधर, तो माइनस माइनस प्लस 5 into m हो जाएगा, और एक ये बचा माइनस हो जाएगा 2μ2m, बाकी सब खत्म। ठीक है, तो बस अब कॉमन ले लिया, एक ही वैल्यू आ जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, g इंटू 2m माइनस म्यू टू एम प्लस एम डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा यार, m प्लस 5m, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, m प्लस 5m, यहाँ से प्लस m कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, तो बच जाएगा कितना, म्यू वन माइनस म्यू टू। बाकी आप रिजल्ट वेरीफाई कर लो कैसे मैच कर रहा है रिजल्ट, है ना, ऊपर से ब्रेक करके देख लो अगर रिजल्ट मैच करता है कि नहीं करता है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, जो भी अगर मिस्टेक अगर कुछ हुआ होगा तो उसमें आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, कभी एम छूट गया हो या स्मॉल एम छूट गया हो, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये था, तो क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको लगाना है वही NLM ही अप्लाई करना है। बस एक थोड़ा सा क्या दिक्कत हो गया कि यहाँ पे एक कंस्टेंट रिलेशन यूज करना है ना, रिलेशन वाला, ये वाला थोड़ा सा पार्ट जो है थोड़ा सा टफ हो जाता, क्योंकि कभी कभी अगर आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर रिलेशन अननोन क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के साथ।